हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आहूजा का ड्यूल चैनल के बारे में। तो जो कि ये आपका आहूजा में देखने को मिल जाएगा। इसका मॉडल देखिए, आपका TZA 2000, ये आपका मॉडल नंबर हो गया। और आपका एक बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि ड्राइवर यूनिट और स्पीकर एक साथ बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं, तो इस एम्पलीफायर में तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप बजा सकते हैं, 100% बजा सकते हैं। और किस तरह बजा सकते हैं तो वीडियो में बने रहे अंत तक, हम टोटल वीडियो में बताऊँगा और डिटेल बाय डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारे इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सिंपल आगे तरफ बात कर लेते हैं फिक्सेशन की। और देखिए, स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रांड आपको आहूजा में देखने को मिल जाएगा, मॉडल आपका आहूजा TZA 2000 जो कि आपको मॉडल नंबर हो गया। इसका टाइप एम्पलीफायर है और इसका एम्पलीफायर टाइप आपका मिल जाता है आहूजा 2 जोन पी एम्पलीफायर, ये आपका पी एम्पलीफायर माना जाता है। और पावर आउटपुट के लिए बात किया जाए तो इसका आरएमएस पर आपका 100 वाट दिया है और मैक्सिमम पर आपका 130 वाट दिया है। तो चलिए सिंपली बात करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी। इसका आपको मिल जाता है 50 से 15 हज़ार हाइटेज तक प्लस 3 dB। और इसका स्पीकर आउटपुट के लिए बात किया जाए तो इसका आपका 4 ओम 8 ओम लाइन बोर्ड के लिए 70 वोल्ट 100 वोल्ट दिया है फोर इच जोन, मतलब आपका दोनों चैनल में अलग अलग सेक्शन दिया है, उसमें अलग अलग ऑप्शन भी दिया है। और इसका बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में जो कि 220 से 240 वोल्ट। और इसका कार के बैटरी चलाने का 2 का कार का बैटरी चाहिए जो कि 24 वोल्ट में काम करेगा। और इसका वेट आपका देखिए 17.4 kg लगभग हो जाएगा। तो चले और आगे हम बात करेंगे इसका क्या फीके, मतलब कितना टॉप बॉक्स बजा सकते हैं, क्या इसमें स्पीकर मतलब और डायमंड एक साथ बजा सकते हैं। तो देखिए, मैं तो पहले हाँ चुहा कर चुका हूँ। देखिए, एक जोन में आप स्पीकर लगाए और एक जोन में आपका डायमंड आराम से बजाए, कोई बात नहीं है। मतलब एक चैनल में आपको स्पीकर दे दीजिए और एक चैनल में डायमंड आराम से बजा सकते, कोई बात नहीं। और आप कितना तक बजा सकते हो बात कर लेता हूँ। देखिए, इसका मैक्सिमम आप 130 वाट, आप 130 वाट तक जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप अगर इसमें एक चैनल आपका डायमंड बजाना चाहते हैं 4 ओम में, तो 2 स्पीकर मतलब स्पीकर बजाना चाहते हैं तो 2 आपका 4 ओम में आराम से बजेगा, जो कि आपका आप 70 वाट का दो भी चलेगा, कोई बात नहीं, या 60 वाट का 2 भी लगा दीजिए और मस्त बजेगा। और आप लोग सोच रहे हैं क्या इसमें हम 80 वाट का बजा सकते हैं, 80 वाट तक भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, 80 वाट आपका ज़्यादा हो जाएगा। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप 70 वाट का भी जाइए, आपका बेस्ट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए और आगे बात करें डायमंड, तो डायमंड आप इसे आराम से बजा सकते हैं 4 ओम में 2 को, तो 4 ओम में 4 को बजा सकते, तो आप इसमें 4 डायमंड आराम से बजा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आप इसे कितने वोल्टेज के स्पीकर मतलब डायमंड लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल का समझा, इसका मैक्सिमम आपका 130 वाट, आप 30 वाट का मतलब 4 लगा सकते हैं जो कि 120 वाट हो जाता है। तो आप इसे 30 वाट का जा सकते हैं और इसे आप आराम से बजा सकते हैं। तो चलिए सिंपली बात कर लेते हैं पॉइंट के ऊपर, तो मतलब इसका प्राइस क्या, तो फिर प्राइस आपके स्क्रीन में शो रहा है, तो लगभग आपको इतना मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से आपका इतना भी पड़ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं, तो वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं हर रोज इसी तरह वीडियो बनाता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करी जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।